दिल्ली सरकार के खिलाफ सीडी ने लगाए जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग। जी हां, एमसीडी ने अपने 13,000 करोड़ रुपए बकाया है उसके लिए जगह जगह पर दिल्ली सरकार के खिलाफ होर्डिंग लगाई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के हौस खास इलाके की, रिंग रोड की, जहां पर रिंग रोड के साथ बने जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग के पोस्टर आप देख रहे हैं वहां पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बैनर लगाया गया है जिस पे लिखा गया है कि एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए बकाया दिल्ली सरकार दे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम हौस खास की, जहां पर आपको बता दें आउटर रिंग रोड के किनारे जहां पर भी एड एजेंसियों के द्वारा एड लगाए जाते थे, अब वहाँ पर एमसीडी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं जिस पे कि दिल्ली सरकार से मांगे जा रहे हैं अपने 13,000 करोड़ रुपए बकाया। मनोज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह बोर्ड लगाया है दिल्ली सरकार के लिए कि अभी कुछ पैसा रह गया है, तो क्या है ये सब मामला जरा? देखिए, कुछ पैसा नहीं, काफी पैसा रह गया। एमसीडी को बजट की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो हमारा जो ये जो बोर्ड लगाने का मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का कि इधर उधर की बातें ना करें, हमारा बजट दें ताकि हम जनता की सुविधाओं के लिए जनहित के जो भी योजनाएं उनको जमीन पर ला सके और जनता को जो भी हम सुविधाएं हमारे देने का काम है वो हम दे सके। इसलिए हमारा इन विज्ञापन के माध्यम से केजरीवाल जी से अपील है कि दिल्ली की जनता के का पैसा दिल्ली की जनता को एमसीडी के माध्यम से जो मिलता था वो वापस मिले ताकि हम अपने विकास कार्यों को अंजाम दे सके। लेकिन एक जगह वो ये भी कह रहे हैं कि वो पैसे का उपयोग नहीं कर पाती, एमसीडी नहीं लग पाता जनता के हित में। देखिए, ये उनका काम नहीं है, वो अपने उस पे ध्यान दे। दिल्ली सरकार कैसे चल रही है कि वो हमारे कामों में बीच में आके घुस जाते, अपना कुछ करते नहीं है। तो उनको जो क्राइटेरिया जो भारत के संविधान में जो लिखा है कि दिल्ली सरकार को ये फंड एमसीडी को देना ही देना, वो कोई ना कहीं अड़चने लगा के उस फंड को रोक के बैठे हैं। तो एमसीडी को अपना काम करना, दिल्ली सरकार को अपना काम करना, तो एमसीडी का काम भी बिगैर फंड के नहीं होगा। तो जो दिल्ली सरकार को अब से पहले से जो फंड मिलता आ रहा था वो फंड मिलना चाहिए, जल्दी मिले ताकि जनता की जो सुविधाएं वो उनके बीच में पहुंच पाए। तो अभी दिल्ली सरकार नहीं सुनती तो और किस तरीके से आप उनसे मांग करेंगे कि जनता का पैसा उन तक पहुंचाए, एमसीडी का पैसा उन्हें? देखिए, ये तो विज्ञापन है और हम समय समय पर हम धरना प्रदर्शन जो मांग है करते ही रहते हैं। लेकिन अब अगर अभी भी वो नहीं जागे, नींद से नहीं जागे, अगर हमारा बजट अभी उन्होंने इश्यू नहीं किया तो हम रोड पे उतरेंगे और रोड पे उतर के जनता के साथ मिलकर हम धरने प्रदर्शन करेंगे और जनता के हित की लड़ाई हम रोड पे लड़ेंगे।